मॉर्निंग टू ऑल बच्चों, जो भी आपको होमवर्क प्रोवाइड हो रहा है, क्या आप उसको डेली का डेली फिनिश कर रहे हैं? आई होप कि आप उसको डेली का डेली कर रहे हैं। आज जो मैं आपको होमवर्क प्रोवाइड कर रही हूँ, उसे मैं समझा देती हूँ आपको कैसे और किस तरीके से करना है। डेट 28 अप्रैल 2020, सब्जेक्ट इंग्लिश, स्टैंडर्ड 5th और डेट ट्यूसडे। फर्स्ट है लर्न एंड राइट काइंड्स ऑफ नाउंस रिपीटेड। यहाँ ब्रैकेट में जो रिपीटेड लिखा हुआ है, जो आपने पहले वाली वीडियो आप मेरी देख रहे हैं उसमें भी मैंने काइंड्स ऑफ नाउंस दिए थे, और इस बार एक बार मैंने फिर से रिपीट इसलिए कर दिए हैं क्योंकि आपको अच्छे से लर्न हो जाए विदेश पहले। काइंड्स ऑफ नाउंस, नाउन के कितने प्रकार होते हैं स्टूडेंट्स आपको पता है? नाउन के 5 प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। लर्न करने के साथ ही साथ आपको इनकी स्पेलिंग भी क्या करनी है, लर्न करनी है। जब लर्न हो जाएं तो उनको आपको लिखना है। ये आपका क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट है, आ से लेके ज्ञा तक आपको नेमिंग लेटर्स लिखने हैं, और फिर आपको का से लेके ज्ञा ज्ञानी तक आपको नेमिंग लेटर्स लिखने हैं। ये आ से लेके और बड़ी अंक तक आपको फर्स्ट वाले पेज पे लिखना है, और उसके दूसरे वाले पेज पे लिखना है का से लेके ज्ञा ज्ञानी तक आपको सेकंड वाले पेज पर नीट एंड क्लीन राइटिंग में ही लिखना है। तो आई होप कि आपका ये भी क्लियर हो गया। थर्ड, री राइट द फॉलोइंग यूजिंग ऑफ कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक है, इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको कैपिटल लेटर्स पर ध्यान देना है। नीचे कुछ सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ये 5 सेंटेंस आप देख रहे हैं 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो इन पे आपको करना क्या है बच्चों, इन पे आपको कैपिटल लेटर्स पर ध्यान देना है, पे अटेंशन करना है, और पंक्चुएशन मार्क्स पर भी आपको पे अटेंशन करना है। थोड़ी सी डिटेल्स मैं आपको बता दे रही हूँ कि वेरी स्टार्टिंग का जब भी हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उसको स्मॉल में लिख देते हैं, जबकि वो रॉन्ग करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं वेरी स्टार्टिंग का, तो कैसा लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद जितने भी हम वर्ड्स लिखते हैं वो सभी कैसे लिखते हैं, वो सभी स्मॉल लिखते हैं। हाँ, अगर बीच में अगर किसी का नेम आ जाता है, लाइक राम है, गीता है, तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा लिखेंगे बच्चों, वो लिखेंगे कैपिटल। अगर किसी सिटी का नेम आता है, लाइक हाथरस है और आगरा है, तो वो भी हम कैसा लिखेंगे, वो भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। किसी भी धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं, लाइक रामायण है, गीता है, बाइबल है, तो उसका भी जो फर्स्ट लेटर लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे, वो भी हम कैपिटल लिखेंगे। और सेंटेंस फिनिश होने के बाद हम क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, हम फुल स्टॉप का यूज़ करेंगे। अगर हमने फुल स्टॉप का यूज़ नहीं किया है तो वो हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है, हम फुल स्टॉप का भी हम यूज़ करेंगे। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बच्चों होता है जैसे कि लाइक कोई भी अगर स्टार्ट क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हो रहा है, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ, तो लास्ट में बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन वर्ड वाले जो होते हैं उसमें क्या करते हैं कि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, तो वो रॉन्ग होता है। तो हमें क्या करना है, अगर इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का हम यूज़ करेंगे। तो ये जो 5 सेंटेंस दे रखे हैं, इनमें आपको यही चीज़ करनी है कि जो वेरी स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है आप उसको कैपिटल लिखेंगे। आप ये देखेंगे इसमें एरर कहाँ पर है, मतलब इसमें जो गलतियाँ हैं वो कहाँ हैं, उन गलतियों में इम्प्रूवमेंट करेंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं टी है, तो टी मैंने यहाँ पर स्मॉल लिखा हुआ है, तो ये कैसा लिखा जाएगा, ये कैपिटल लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया है ना, तो ये क्लियर हो रहा है ना। तो आई होप कि आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है बच्चों, और आप इसको इत्मीनान से और अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट, लर्न एंड राइट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। ये भी मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में रिपीटेड लिखा हुआ है। इससे पहले भी मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आपको दे चुकी हूँ, है ना, एक बार मैंने फिर से इसको रिपीट कर दिया है। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। एसर्टिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इम्पैरेटिव सेंटेंसेस,
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये आपको लर्न करने हैं और साथ ही साथ आपको लिखने भी हैं और आपको इनकी स्पेलिंग भी बच्चों लर्न करनी है। ओके, तो ये आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन इंग्लिश। ये मैंने कुछ नेम्स दे रखे हैं, लाइक आप देख रहे हैं दीपक, काजल, बादल, श्रीनिवास, आगरा, वट एवर। तो इन सभी की बच्चों आपको क्या करनी है, इन सभी की आपको इंग्लिश बनानी है। अब मैंने आपको इसीलिए आज ये दिया था कि आ से लेके और ज्ञा ज्ञानी तक आपको क्या लेटर्स लर्न करने हैं इंग्लिश में। जब वो आपको लेटर्स अच्छी तरीके से लर्न हो जाएं, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उसके बाद ही इन नेम, ये जो हिंदी में नेम्स दे रखे हैं, इनकी स्पेलिंग मेकिंग करेंगे। तो बच्चों ये था आज का एक दिन का होमवर्क।